उपभोक्ता की जो मेन सर्विसेज है वो है लेवल 3 एसिड केयर। पिछले 20 सालों से जो है और जो है प्री बजट शिशु के लास्ट स्टेप की सेवाएं दे रहे हैं, और हमारा लगातार यही प्रयास रहा कि हम कैसे हाई क्वालिटी ऑफ केयर जो है ये कुछ ही दर में उपलब्ध करें। हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर प्रेम खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आइए हम इस वीडियो में यह बात करते हैं कि आस्था अस्पताल की सेनाइसों में प्री बजट शिशु का किस अप्रोच से इलाज किया जाता है। हमारी जो अप्रोच है बिल्कुल सिंपल, नॉन इन्वेसिव, एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पेरेंट्स फ्रेंडली। वीडियो स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि शिशु जितने जल्दी पैदा होता है उतने आगे उसके उतने अविकसित रहते हैं, उसके इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और शिशु को उतना ही समय लगता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपके शिशु का एनआईसी में किस अप्रोच से इलाज हुआ है, उसके शिशु की क्या प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम कितने जल्दी ठीक किया गया है, उसको कैसे कॉम्पिटिशन होने से बचाया गया है, उसको कैसे न्यूट्रिशन दिया गया, उसका कितनी जल्दी वेट गेन स्टार्ट हुआ, रिचार्ज से मतलब कैसे ट्रेनिंग की गई है, मतलब कैसे इसमें इन्वॉल्व किया गया, कैसे रिचार्ज में ट्रेनिंग दी गई है, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि शिशु को बहुत सारी मशीन रख दिया जाएगा तो अच्छा ठीक हो जाएगा, एक निश्चय अवधि के बाद। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम कैसे प्रीमेजर शिशु का आस्था अस्पताल के सेनाइसों में इलाज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तापमान मेंटेन करने के लिए हम बच्चे को एक रेडिएंट वार्मर नीचे रखते हैं। इसमें एक पॉली होती है, इसमें बच्चे को रखा जाता है और उसमें हीटिंग रॉड होती है और ये मशीन ऑटोमेटिकली बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करती है, क्योंकि बच्चे का जो है बॉडी सर्फेस एरिया ज़्यादा रहता है, स्किन बहुत ही थिन रहती है, बॉडी में फैट बहुत ही कम रहता है, तो बच्चे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली हम वार्मर केयर प्रोवाइड करते हैं, इससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्रीदिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे बच्चे जो है 26 हफ्ते के पहले पैदा होते हैं, सांस की तकलीफ रहती है। अगर बच्चे को सांस की तकलीफ है तो देखा जाता है कि सांस की तकलीफ का रीज़न क्या है, क्या बच्चे के फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए, सर्फेक्टिव प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्या बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, ये देखा जाता है किस वजह से सांस की तकलीफ, उसके आधार पर इसका इलाज किया जाता है। सांस की तकलीफ ठीक करने के लिए जो है बच्चे को जो है ऑक्सीजन या फिर सीपैप मशीन या फिर जो है सीपैप मशीन या फिर जो है जरूरत पड़ने पर जो है वेंटिलेटर, जैसे बच्चे को आपने देखा होगा यहाँ पर वेंटिलेटर लगा हुआ, वेंटिलेटर एक ट्यूब होती है, वेंटिलेटर एक मशीन होती है, फिटिंग मशीन होती है, जिसके थ्रू जो उसको बॉडी में ऑक्सीजन दिया जाता है। ये मशीन जो यहाँ से कनेक्टेड रहती है इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, यह एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है फेफड़े के अंदर होती है और एक मशीन जो निश्चित प्रेशर से जो है बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जब बच्चे जब इसके ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बच्चे को हम जनरली वेंटिलेटर से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम पर हमारा यह प्रयास रहता है कि हम जल्दी से जल्दी उसकी सांस की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाए, हमारा लगातार यही प्रयास है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीमेजर शिशु बच्चे का जो डाइजेशन पावर बहुत ही कमजोर रहता है, इसका मतलब कैपेसिटी कम रहती है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स कम रहते हैं, इसलिए बच्चे दूर नहीं पचा पाते। इनिशियल स्टेज में उसको न्यूट्रिशन देखना, उसको आईवी न्यूट्रिशन देते हैं। आईवी न्यूट्रिशन मतलब नसों के द्वारा जो है ग्लूकोज हो गया है, प्रोटीन हो गया है, खनिज तत्व हो गया, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट सॉल्यूशन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स प्रोटीन जरूरत पड़ने पर खाए, जिससे शरीर की जो है बॉडी को मेंटेन करके रख सकते। चौथा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, कंटिन्यूस बच्चे की मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि बच्चे का बॉडी ऑक्सीजन लेवल बराबर है कि नहीं, हार्ट रेट ठीक है कि नहीं, ब्लड प्रेशर तो ठीक नहीं है, ये कंटिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ में यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बच्चे की सब जाँचें भी की जाती है, बच्चे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बॉडी में जो है शुगर का लेवल, सोडियम पोटेशियम का लेवल बराबर है कि नहीं, कितनी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जरूरत के आधार पर हार्ट की जाँच, इको एक्सरे या ब्रेन की जाँचें जरूरत के आधार पर जाँचें की जाती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए बच्चे को इन्फेक्शन से बचा के रखें। यहाँ पर जो भी ट्रेन नर्सिंग स्टाफ काम करता है, जब भी बच्चे में कोई क्रियाएँ करती हैं जैसे पूरे हैंड वॉश के पूरा प्रिकॉशन लेके काम लिया जाता है, और साथ में यहाँ पर हम इन्वेसिव प्रोसीजर तो अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्वेसिव प्रोसीजर ना करें। इन्वेसिव को सेंट्रल लाइन डालना है या बॉडी के अंदर कोई भी हमारे जो एंट्री होती है कहते हैं इन्वेसिव, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो जनरली वो ये प्रोसीजर अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इनिशियल स्टेज में जो बच्चे में सफी सॉल्व चूसने और निकलने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है बच्चे में, तो हमको जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करते हैं ये फीडिंग ट्यूब के द्वारा, इसको हम कहते हैं फीडिंग ट्यूब, ये ट्यूब जो पेट के अंदर होती है, यहाँ से जाते पेट के अंदर आ जाता है इससे, और इसके थ्रू जो है मिल्क दिया जाता है। जनरली हम जो मिल्क प्रीफर करते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क की मदद का मिल्क भी प्रीफर करते हैं, मदर को हम लोग कॉल करते हैं, मिल्क कलेक्ट कर लेते हैं, वो मिल्क ही मदर बच्चे को दिया जाता है।
नॉर्मली अगर बच्चे कंडीशन कोई स्टेबल है तो पहले उसके दिन से हम लोग फिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा टारगेट रहता है कि बच्चा 7 to 10 days में ही कंप्लीट फिटिंग में रहे, तो 10 दिन के बाद में उसका वेट गेन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पॉलिसी क्या होता है, अगर बच्चे का जल्दी से जल्दी अगर फिटिंग पे आ गया तो बच्चे को लगने वाली मेडिसिन कम हो जाती है, दवाइयाँ कम हो जाती है, साथ में इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है, और साथ में बच्चा जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है, अगर बच्चे की कंडीशन पूरी स्टेबल होती है, बच्चे के पूरे वाइटल्स के पैरामीटर स्टेबल है, बच्चा अच्छे से फिटिंग दे रहा है, फिटिंग डाइज कर रहा है, उसका वेट गेन स्टार्ट हो गया, तो मदर को जो है एनआईसीयू केयर में इन्वॉल्व करते हैं। जिससे मदर उसको फिटिंग कराती है, मदर उसको जो है नॉर्मल रूटीन केयर उसकी नैपी चेंज करना, क्लीन करना, उससे मदर में जो है कॉन्फिडेंस ट्रस्ट डेवलप होता है और बच्चा जो है जल्दी से जल्दी एनआईसीयू से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि जो है डिस्चार्ज के पहले बच्चे की पूरी जांच करवा, जो भी पेंडिंग जांच है पूरी करवाई जाती है, डिस्चार्ज से देखते हैं कि बच्चा पूरी कंडीशन उसकी स्टेबल है, ठीक है करके, तो आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, सांपों के ट्रीटमेंट की जरूरत है, जरूरत है शॉर्ट ट्रीटमेंट उनको ट्रीटमेंट भी करवा दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है डिस्चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर डिस्चार्ज अच्छे से नहीं हो तो बच्चे फिर से एडमिशन की संभावना रहती है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज के पहले 7 days पहले जो हम लोग 7 days करें, जो मदद पूरी हमारे सीनियर स्टाफ जो है पूरी ट्रेन करते हैं घर में जाकर आपको कैसे फिटिंग कराना है, अगर बच्चा वेस्ट भी मेरा तो ठीक है, अगर वेस्ट भी मेरा तो वेस्ट कैसे स्प्रेस करना है, कैसे कलेक्ट करना है, बच्चों को कैसे पिलाना है, फार्मूला फिटिंग जो है कैसे उसको फार्मूला फिटिंग कैसे बनाना है, बच्चों को वेस्ट भी नहीं है तो साथ में जो बच्चे की रूटीन केयर कैसे करनी है, कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे नहलाना है, बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, क्या डेंजरस है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। और जब जो मदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहता है, तभी बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है कि डिस्चार्ज के बाद हमें जाके बच्चे को प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, और एडमिशन की जरूरत न पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो एनआईसीयू में जो हमारी अप्रोच है, प्रीमेच्योर क्लास की जो अप्रोच है बिल्कुल सिंपल है, नॉन इन्वेसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पेरेंट्स फ्रेंडली है, और जो है बच्चे बहुत सारे बच्चे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और घर में जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि यह भी देखने में आया है कि अगर किसी पेरेंट्स को जो है प्री मैच शिशु होने वाला है और उसका ऐसे इलाज होता है जहाँ पर माँ और शिशु के दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है कि डिलीवरी के बाद शिशु का तुरंत इलाज हो जाए, तो ये देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं, उसे मदर का दूध मिल जाता है और उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी ठीक कम हो जाती है और जो है बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता चल गया कि आपको फिर मैसेज सुनने वाला तो ऐसे इलाज करें जहाँ पर दोनों की व्यवस्था उपलब्ध है। आई होप इस वीडियो पर आपको जो भी जानकारी दी होगी तो आपके प्रीमेच्योर शिशु क्लास कराने में बहुत ही सहायक होगी, हेल्पफुल होगी, और आप अपने जो है शिशु को एक नई बेहतर नई जिंदगी दे सकते हैं। थैंक यू।